नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के आज के इस अंक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दर्शकों, आज हम अपने कार्यक्रम में एक ऐसी बीमारी पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम लेने से भी लोग हिचकिचाते हैं, आमतौर पर घबराते हैं, मानो नाम लेने से ही शायद ये बीमारी हमें हो जाएगी। और हम लोग तो इसे शायद लाइलाज बीमारी भी मानते हैं और कैंसर के नाम से जानते हैं। आखिर कैंसर है क्या? इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? ये किन लोगों को होती है? कैंसर के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता है? इसको कैसे हम अर्ली स्टेज में ही डायग्नोज कर सकते हैं? और क्या कैंसर का ट्रीटमेंट करने से कैंसर जैसी बीमारी खत्म हो जाती है? कुछ ऐसे ही सवालों के उत्तर जानने के लिए हमने अपने आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर दीपक अबरोल जी को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ। तो दर्शकों, जिस तरह से कि आप जानते ही हैं कि अभी आप इस कार्यक्रम को सीधा प्रसारित होते हुए देख रहे हैं, यदि आपको कैंसर जैसे विषय से संबंधित कोई भी जानकारी हासिल करनी हो तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और डायल कीजिए हमारा नंबर। हमारा नंबर है 2535418। हम एक बार पुनः अपना नंबर दोहराते हैं, हमारा नंबर है 2535418। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और सर, शुरुआत में हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि जब हम जागरूकता की बात करते हैं तो कैंसर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में शायद जितनी भी जागरूकता उत्पन्न की जाए, अवेयरनेस क्रिएट की जाए, बहुत कम है। तो सर, जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है ही क्यों? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। ये जैसा कि आपने शुरुआत में ही एड्रेस करते समय ये बोला कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी को कंसीडर किया जाता है समाज में, और ये कहा जाता है कि इसका नाम लेने से ही पता नहीं हमें हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये कॉमन रोग है, जैसे कि डायबिटीज है, जैसे कि हाइपरटेंशन है, वैसे ही इसको एक रोग की तरह लेना चाहिए। अब हमने इसको इस तरीके की धारणा क्यों उत्पन्न हुई है? उसका उत्पन्न होने का कारण ये है कि मोस्टली जो पेशेंट्स हैं हमारे पास स्टेज 3 या स्टेज 4 में डायग्नोज हो रहे हैं, स्टेज 1 या 2 में डायग्नोज नहीं हो पा रहे। अवेयरनेस जनरेट, जो आपका प्रश्न था, उसका हमारा बेसिक मोटो यही है कि जो पेशेंट है वो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में डायग्नोज हो, ताकि वो कंप्लीटली क्योर हो सके। एक बेसिक फार्मूला 80-20 का फार्मूला हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जो हमें भी हमारे टीचर्स ने पढ़ाया जी। उसका मकसद क्या है कि हमारे पास भारतवर्ष में पहली और दूसरी स्टेज में जो पेशेंट्स हैं वो केवल 20% आ रहे हैं, 80% पेशेंट तीसरी और चौथी स्टेज में आ रहे हैं, जबकि आने चाहिए उल्टा। पहली और दूसरी स्टेज में मैं तो कहता हूं 100%, लेकिन वो ना हो पाए तो 80% तो आए, जिसमें कि 80% पेशेंट ट्रीटेबल है, ताकि उनका क्योर हो सके। और अगर वैसा हो जाए तो ये लाइलाज, या ये कहना कि कैंसर से ग्रसित हो गए तो पता नहीं क्या हो गया, या कई बार ऐसी भी धारणा आती है कि आपने सुना होगा कि कोई ऐसे बोल देता है कि जिसको हम स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लेते हैं जो एज कैंसर स्पेशलिस्ट, क्योंकि पेशेंट की भावनाएं इसके साथ जुड़ी होती हैं कि ये समाज का कैंसर है, वो क्या मतलब हुआ। कभी कोई ये तो नहीं बोलता कि ये समाज का डायबिटीज है या समाज का ब्लड प्रेशर है, ये भी एक बीमारी है, इसको बीमारी की तरह कंसिडर करो, इसको जागरूकता फैलाओ। हम डॉक्टर्स लोग फैलाते हैं, उसके अलावा जनता हमारे साथ जुड़नी चाहिए इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। जैसे आपके माध्यम से आज ये प्रसारित हो रहा है कार्यक्रम, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि अपने चंद अपने लाइफस्टाइल में चीजें मॉडिफाई करके ये बीमारी तो प्रिवेंटेबल है। जो मैं अंत में एक मैसेज जाना चाहिए इस कार्यक्रम के बाद कि ट्रीटमेंट तो बाद की बात है, पहले तो प्रिवेंशन पे हम फोकस करेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि अवेयरनेस जो बहुत जरूरी है, तो आमतौर पर लोगों को सर पता भी नहीं होता कि ये कैंसर जो है, नाम बहुत सुना है कैंसर कैंसर, लोग नाम लेने से भी हिचकिचाते हैं और एक दूसरे से जब बात करते कहते हैं उसको वो बीमारी हो गई है, वो शब्द जो है यूज कर लेते हैं। तो सर, बेसिकली कैंसर है क्या? कैंसर शरीर की कोशिकाओं का असामान्य विकास है, अनियंत्रित विकास है। शरीर में ऊपर वाले ने हमें सेल्स से बनाया हो, एक सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से बॉडी बनी हुई, और हिंदी में इसको कोशिका बोला जाता है, कोशिकाएं। अब उनको कंट्रोल करने के लिए भी ऊपर वाले ने एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म दिया है, जिसमें ट्यूमर सप्रेसर जीन और ट्यूमर प्रमोटर जीन हमारी बॉडी में होते हैं। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन मोस्टली हावी रहते हैं और ट्यूमर बन नहीं पाता, लेकिन किसी वजूहत से, जो वजूहत हम डिस्कस करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान, उनकी वजूहत से क्या होता है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन डाउन हो जाते हैं और ट्यूमर प्रमोटर जीन्स हावी हो जाते हैं, और उसकी वजह से म्यूटेशंस हो गई है, जेनेटिक म्यूटेशन किसी कारणवश, जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन या किसी वजह से, उसकी वजह से जो वो प्रॉब्लम हुई तो कैंसर बन गया। तो शरीर की कोशिकाओं का असामान्य और अनियंत्रित विकास कैंसर है। तो डॉक्टर साहब, किन व्यक्तियों को कैंसर होने का जो खतरा है वो बना रहता है?
देखिए समाज में पूरी वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है उसको हर एक को कैंसर का खतरा है, ये नहीं है कि किसी कोई भी इससे इम्यून है। अच्छा लेकिन ये है कि जो जिनको जिनकी फैमिली में होता है कई कैंसर जैसे जेनेटिक्स होते हैं तो उनमें ज्यादा होता है, या कुछ जो कुछ लोग जिनमें ज्यादा है खतरा वो लोग हैं जिनमें जैसे अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करते, लाइफस्टाइल में उनका स्टेग्नेंट लाइफस्टाइल है, बैठे रहते हैं, सैर नहीं करते, वसा युक्त भोजन, फैट युक्त भोजन ज्यादा करते हैं, मटन इत्यादि अगर खाते हैं तो उसके साथ इक्विवेलेंट क्वांटिटी में सैलेड नहीं लेते, या कि ज्यादा तेज मसालेदार खाना खाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है तंबाकू का उपयोग। और जैसे मैं प्रिवेंशन पे फोकस कर रहा था शुरू में, तंबाकू के इस्तेमाल से 40% कैंसर होता है। अच्छा। तंबाकू के इस्तेमाल से 40% कैंसर, मैं रिपीट करूंगा, होता है। और अगर तंबाकू को अपनी जीवन शैली से निकाल दिया जाए तो हर एक इंसान में 40% कैंसर का खतरा कम हो जाएगा। उसके बाद ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो आजकल वैक्सीनेशन भी आई है लड़कियों के लिए, अगर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीनेशन की जाए, हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीनेशन ली जाए, लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया जाए, तंबाकू को छोड़ा जाए, तो 60% कैंसर प्रिवेंटेबल है। 50 तो है ही है जो साइंटिफिकली प्रूवन डेटा बता रहा है, कई साइंटिस्ट कहते हैं कि 60%, ये डिबेटेबल है, लेकिन 40 से 60 तक ये रेंज कहीं कहते हैं कि कोई कहता है 40% है, कोई 60%, लेकिन ऐसे अगर जनरल भाषा में देखा जाए तो तंबाकू छोड़ दिया जाए तो 40% कैंसर नहीं होगा। और इसकी प्राइम एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो बिहार और उड़ीसा चले जाएं, जो लोग सिगरेट तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं उधर कैंसर ज्यादा है, ओरल कैंसर। और आप पंजाब में आ जाइए तो बिकॉज ऑफ रिलीजियस इनहिबिशन, जो गुरुओं ने मना किया हुआ है तंबाकू उत्पादों का उपयोग, तो पंजाब में ओरल कैंसर बहुत कम है ही नहीं। तो हमारे पास तो एक स्टडी है, स्टडी पैटर्न है कि बिहार उड़ीसा में ज्यादा है, पंजाब में नहीं है। दैट मींस कि तंबाकू का जो सेवन है उससे कैंसर के चांसेस ज्यादा, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, डिफरेंट स्टडीज ने इसको बताया है। डॉक्टर साहब, देयर वाज अ टाइम जब लोग जो थे उन्हें कैंसर जैसी बीमारी के बारे में पता ही नहीं होता था, उनका रहन सहन ही कुछ ऐसा था कि लोगों को शायद लगता ही नहीं था कि ये बीमारी भी कहीं एग्जिस्ट करती है। आज क्या वजह है कि हम कहेंगे तीसरे आदमी में एक आदमी ऐसा निकल जाता है जिसको कैंसर उत्पन्न हो जाता है, वो कहता है कि मुझे कैंसर हो गया, और वो किसी भी तरह का कैंसर जो हो सकता है, इसकी क्या वजह है? क्या लाइफस्टाइल हमारा ऐसा है या इसके कुछ और कारण है? देखिए अगर आप प्राचीन भारत में चले जाएं तो तंबाकू तो था ही नहीं, ये तो मिडिवल इंडिया में, मिडल पार्ट में, ये मिडल हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री की मिडल पार्ट में तंबाकू हमारे भारतवर्ष में आया। जी जी। और ये इतना प्रचलित हो गया कि अब लगभग आप देखेंगे, यंग एज देखें, ओल्ड एज देखें, लोग तंबाकू का उपयोग कर रहे हैं। तो ये एक कारण मैंने आपको बताया। तो ये जब तंबाकू जिसके जीवन शैली में सम्मिलित होगा, प्लस अगर वो अल्कोहल का सेवन भी साथ में कर रहा है तो उसका रिस्क और बढ़ जाएगा। अच्छा। प्लस वो सिडेंट्री लाइफस्टाइल है अगर उसका, तो इसका रिस्क और बढ़ जाएगा। प्लस अगर वो ऐसे एनवायरमेंट में रह रहा है जहां एनवायरमेंटल पोल्यूशन ज्यादा, जैसे ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स हैं कुछ, वो भी इसका एक कारण बन रहे हैं। प्लस थोड़ा बहुत मैं एक और चीज कहूंगा कि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है वैसे वैसे लोग डायग्नोस कराने अब आगे आ रहे हैं, तो उस कारण भी अगर आप रजिस्ट्रीज देखोगे हॉस्पिटल बेस्ड, तो उसमें पेशेंट ज्यादा रजिस्टर हो रहे हैं। तो ये भी है कि चिकित्सक अब आगे की और गांवों की ओर भी चिकित्सक अवेलेबल हो गए हैं, क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स, तो वो अर्ली डायग्नोस करके इसको सामने ला रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा है कि अगर शुरू में ही पता चल जाए कि व्यक्ति को कैंसर डेवलप हो रहा है तो फिर शायद कैंसर जो है उसको हम क्योर कर सकते हैं, सर ऐसे क्या शुरुआती लक्षण हैं जिसके आधार पर हमें पता चले कि व्यक्ति को कैंसर हो रहा है? सर इससे पहले कि आप इसका उत्तर दें, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े, हम उनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे को कैंसर हो गया था, मैंने प्रश्न करवाया था जी सुपर स्पेशल जी मेडिकल में जी। हाँ जी सर, उसका 6 महीने मैंने वो ट्रीटमेंट चला था, वो जो दवाई दवाई लगाते हैं ना, ये मेरा ब्लड में तो था नहीं जी। अभी क्या हो, टेस्ट कराना है उसका? तो अभी छोड़ दें उसको, 3-3 महीने बाद सिस्टोस्कोप। ऐसे तो मैं, ऐसे तो बिल्कुल मैं ठीक हूँ सर। ये आपने पेशाब की थैली के कैंसर के बारे में क्वेश्चन किया है, इसको 3-3 महीने बाद, जब 6 महीने दवाई डाल देते हैं
उसके बाद 3-3 महीने के लिए सिस्टोस्कोपी जो पहले भी हुई होगी आपकी वो करनी पड़ती है। तो आपको जिस डॉक्टर ने पहले भी सिस्टोस्कोपी की होगी उसके पास जाना चाहिए और हर 3 महीने के बाद सिस्टोस्कोपी करनी चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा ये होगा तो फिर भी ये ट्रीटेबल डिजीज है। ये ब्लैडर का जो कैंसर, जैसे आपने कहा कि दवाई अंदर डाली थी उन्होंने, तो दैट मीन्स अर्ली स्टेज का था, तो ये पूरी तरीके से ट्रीटेबल रोग है और इसको लीनियंस ना बरतिए, तो आप 3-3 महीने बाद सिस्टोस्कोपी करवाइए और उसके बाद डॉक्टर खुद ही आपको बोलेगा कि अब 1 साल के बाद या 2 साल के बाद कि अब जरूरत नहीं है, अब आप फॉलोअप पे रह सकते हैं या 6 महीने बाद सिस्टोस्कोपी करवा सकते हैं इस तरीके से। प्लस अगर आप सिगरेट तंबाकू इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि शायद आपको ये पता नहीं होगा कि पेशाब की थैली का कैंसर भी सिगरेट और तंबाकू से रिलेटेड है, तो ये चीज आप छोड़ दें। जी डॉक्टर साहब, जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा था कि शुरुआती ऐसे कौन से लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, जिसके आधार पर हमें पता चले कि शायद कैंसर जैसी बीमारी पनप रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, शरीर के किसी भी भाग की कोशिकाओं का असामान्य विकास कैंसर है, तो कहीं भी कैंसर हो सकता है बॉडी में जी। तो मुंह के रास्ते या शरीर के किसी भी भाग के रास्ते खून का आना, स्तन या शरीर के किसी भी भाग में गांठ का होना, आवाज का भारीपन 15 दिन से ज्यादा रहना, कोई भी खांसी या खराश जो 15 से 21 दिन के में ठीक नहीं हो रही, ये जरूरी नहीं कि वो कैंसर हो, लेकिन कैंसर हो सकता है तो चेकअप कराना जरूरी है। ठीक। इसके अलावा तिल या मस्से के आकार का बढ़ना या उसमें हेयर ग्रोथ होना, बाल का ग्रोथ होना, या कि अपना पेशाब या पखाने के रास्ते खून का आना, या रोजमर्रा की आदतों का परिवर्तन होना, या औरतों के में बच्चेदानी के रास्ते खून का आना, या पेशाब या पखाने के रास्ते खून का आना कैंसर का सूचक हो सकता है। तो ऐसे अगर सिम्टम हो तो फौरन डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। हम अपने कॉलर से अनुरोध करेंगे कि जिन्होंने कॉल की है प्लीज अपना फोन जो है काट दीजिए, ताकि और कॉलर्स जो है वो कॉल कर सकें और डॉक्टर आपसे कैंसर विषय से संबंधित सवाल पूछ सकें। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने अभी लक्षण के बारे में बताया है, सर ये जो लक्षण आपने बताए हैं, कहीं मोल हो जाता है व्यक्ति को और फिर वो महसूस करता है कि उसका कलर जो है वो चेंज हो गया, तो डॉक्टर साहब क्या ये कैंसरस हो सकता है? जरूरी नहीं कि वो कैंसर हो, लेकिन डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हिमेंजियोमा भी हो सकता है वो मोल होना, अगर कलर जैसे ब्लूइश कलरेशन ज्यादा होती है, कई बार थोड़ा सा रेडिश ब्राउन में आ जाता है, और कहीं पर कोई व्यक्ति जो होते हैं सर घर में कोशिश करते हैं कि वो खुद ही उखाड़ देते हैं, नहीं ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे जख्म हो जाता है शरीर के किसी भाग में, जख्म रसोली जो होती है वो भी लंबी देर तक रहे वो भी कैंसर हो सकती है, तो इसलिए ऐसा खुद से उपचार करना, खुद से निकाल देना ये मत करो, ये नहीं करना चाहिए जी। सर कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जिसमें कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, कि एज कोई बात नहीं है? 35 से 64 साल की उम्र में कैंसर ज्यादा होता है मोस्टली, एज के साथ कैंसर बढ़ता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये कुछ मैकेनिज्म्स नॉर्मली कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हम एनवायरनमेंट को एक्सपोज होते हैं, हम अपने ऑक्यूपेशन में एनवायरनमेंट को एक्सपोज होते हैं, पब्लिक में, जैसे मैं सिगरेट नहीं पीता हूं तो मेरे साथ अगर कोई पी रहा है उसका भी मुझे नुकसान है, तो वो चीजें फैक्टर्स भी आ जाते हैं, तो उस कारण कई बार धीरे 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 म्यूटेशन होती रहती है और कैंसर हो जाता है, और ये भी नहीं होता कि अगर म्यूटेशन किसी को हुई है तो जरूरी है उसको कैंसर हो। अच्छा अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि डिफरेंट म्यूटेशंस क्यूमुलेटिव हो जाती हैं, वो इकट्ठी होके आगे इस चीज को पनपने में। सर सिंबल कैंप से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो, हम रेडियो में प्रोग्राम सुनते रहते हैं, उसमें एक बार बताया गया था कि मलमूत्र में परिवर्तन आना है, क्या ये भी आंत के कैंसर का संकेत होता है? जी सर, आपका सवाल पूछने के लिए धन्यवाद। हेलो सर, कह रहे हैं कि मलमूत्र में परिवर्तन होना जो है, क्या ये भी कैंसर का संकेत है? जैसे मैंने आपको बोला ही है कि रोजमर्रा की आदतों का परिवर्तन वो यही है, कि मलमूत्र की रोजमर्रा की आदतों में परिवर्तन, या उसके साथ खून का आना, या कई बार लूज मोशंस रहना और उसके बाद कॉन्स्टिपेशन हो जाना, फिर लूज मोशन रहना, फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाना, ये चीजें जो है ये जरूरी नहीं कैंसर हो, लेकिन कैंसर का सूचक हो सकती हैं, तो निकटतम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट या फिजिशियन जो भी हो उनको मिलना चाहिए। सर ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को साल में कम से कम एक बार करवाना चाहिए, ताकि वो ऐसी बीमारी से अपने आप को बचा सके, इससे दूर रह सके? ये एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि इसमें से एक और प्रश्न चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं,
अमूमन अब अवेयरनेस एक्टिविटीज जब हम फैलाते हैं तो काफी सारे अवेयरनेस एक्टिविटीज होती हैं और लोग सुनते हैं और कई चीजें खुद करना शुरू हो जाते हैं टेस्ट। बिल्कुल, तो मैं उसके लिए सख्त मना ही करूंगा, क्योंकि जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर के केस में आपने सुना होगा मेमोग्राफी इज एन इंपॉर्टेंट टेस्ट, लेकिन लोग क्या करते हैं 30 साल से पहले भी मेमोग्राफी कराना शुरू हो जाते हैं, जो कि हर एक में इंडिकेटेड कतई ही नहीं है, क्योंकि मेमोग्राफी के अपने इनहेरेंट रिस्क हैं डिजीज उत्पन्न करने के। जैसे स्वीडिश की एक स्टडी है और स्वीडन ने अपने देश में मेमोग्राफी बंद कर दी है। ठीक, तो हमें उसको एक तो पहले मैं इस पे फोकस आपको बताता हूँ कि 40 अगर किसी को फैमिली में कोई कैंसर नहीं है और उसको शक है कि ब्रेस्ट में कहीं मास है या गिल्टी है, तो या तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, या 40 साल से ज्यादा उम्र है तो ट्वाइस ए ईयर या वंस ए ईयर आप मेमोग्राफी ले सकते हैं। सर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको टोकूंगी, जिस तरह से आपने कहा कि अगर महसूस होता है कि कहीं गांठ है या कुछ गिल्टी वगैरह है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। अमूमन सर लोग ये भी नहीं समझ पाते हैं कि हम फिजिशियन के पास जाएं, हम गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाएं या हम किसी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो इस कंफ्यूजन में ही लोग घर में बैठे रह जाते हैं और बीमारी पनपती रहती है। देखिए, फीमेल के केस में अगर स्तन में गांठ है तो मैं एक और चीज क्लियर करता हूं कि सारी गांठ जो होती है वो कैंसर नहीं होती, 10% ही कैंसर होंगी। फाइब्रोएडिनोमास होते हैं और भी बड़ी सारी चीजें होती हैं, तो आप निकटतम क्योंकि लोकल अपना पर्सनल गायनेकोलॉजिस्ट होता है। ये आंसर हम आगे ले लेते हैं, कॉलर साथ में जुड़े हैं। हेलो हेलो जी, हेलो, मैं अजय बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल ये है कि कैंसर से ब्रेन में असर पड़ता जी, ब्रेन से कैंसर से ब्रेन में असर पड़ता, कैंसर से क्या होता है, ब्रेन पे बड़ा असर पड़ता सर। हाँ, ये पूछ रहे कि क्या कैंसर से हमारे दिमाग पे असर पड़ता है, ब्रेन पर असर पड़ता है। देखिए, ऐसा है, कोई किसी किस्म का अगर कैंसर होगा ऐसे ब्रेन पे कोई असर नहीं होता, लेकिन कैंसर एक ऐसा रोग है जो कि ब्रेन में भी जा सकता है। कई किस्म का कैंसर, जैसे ब्रेस्ट का कैंसर है, लंग का कैंसर है, कोलन का कैंसर है, या और कई किस्म के कैंसर है जो ब्रेन में जा सकते हैं, क्योंकि ये मेटास्टेसाइज होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ब्लड बॉर्न मेटास्टेसिस होता है, शरीर के खून के हिस्से ये ध्वनियां ये ऊपर कोशिकाएं ग्रोथ करनी शुरू कर देती है, या ब्रेन का अपना कैंसर भी हो सकता है। तो एज सच अगर किसी को कैंसर होगा ब्रेन पे कोई असर नहीं होगा। तो डॉक्टर, जिस तरह से अभी मैं पूछ रही थी आप मेमोग्राफी के बारे में बता रहे थे, और आपने कहा कि स्वयं नहीं करवाना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, आप सर्जन के पास जा सकते हैं, वो सक्षम है इसको देखने में। फिजिशियन भी मोस्टली कई लोग इसको देख के ये आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको फर्दर क्या करना है टेस्ट या नहीं करना है। और ऑन्कोलॉजिस्ट के पास मोस्टली लोग बाद में ही आना चाहिए, और आते भी बाद में ही है, या कोई कैंसर अवेयरनेस या स्क्रीनिंग कैंप लगा है तो उधर ऑन्कोलॉजिस्ट एग्जामिन करते हैं, लेकिन मोस्टली गायनेकोलॉजिस्ट और सर्जन के पास जाके आप चेकअप करा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज्यादातर गांठ जो है वो कैंसर नहीं होती, हो सकता है कुछ और ही हो, लेकिन उसका भी एक क्वालिफाइड पर्सन के पास जाके इलाज कराना ज्यादा बेटर है। सर, भगवती नगर से चांद्रानी जी, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी मैम, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, हाँ जी, हाँ जी जी, बताइए क्या सवाल है। हेलो, मैं चांद्रानी बोल रही हूँ जी, भगवती नगर से जी। हेलो जी, हाँ जी, पूछिए सवाल, पूछिए। मेरे गले में 3 बार ऑपरेशन हो चुका है जी, गांठें बनती हैं जी, और अभी 4th बार फिर से हो रहा है जी। ये कितने वक्फे में हुआ है? मुझे समझ नहीं आती, मैंने ऑपरेशन भी, अभी तो मैं खाली दवाई खा रही हूँ जी, कि आगे ग्रोथ ना बढ़े, ग्रोथ ना बढ़े। ये आपके गले में गांठ है? आवाज मेरी भारी रहती है हर समय जी सर, गले में। तो उसका जो बायोप्सी वगैरह करवाई है, जो ऑपरेशन किया उसकी बायोप्सी करवाई? हाँ जी, पहले 88 में। हाँ जी, 88 में, 2001 में जी आपने बायोप्सी करवाई है? उस क्या वो जो गांठ 88 में, क्या वो जो गांठ निकली उसमें कोई परीक्षण में कोई इस किस्म की बीमारी का शक डाला किसी ने? हाँ जी डाला। अगर 88 गला बहुत भारी रहता है। हाँ जी, कहते गला भारी रहता है। अगर 88 से ऐसी बीमारी कोई चल रही है तो वो मोस्टली इतनी सीवियर नेचर की नहीं होगी, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर 3-4 बार आपको ऑपरेशन करवाना पड़ा है गले की गांठ के लिए, तो ENT स्पेशलिस्ट किसी को आपको कंसल्ट करना चाहिए, या किसी ऑन्कोलॉजिस्ट को, आप GMC जम्मू में भी बता सकते हैं, तो
ये, ताकि वो डॉक्टर आपके पूरे पेपर्स देख के आपको प्रॉपर गाइड कर सके। बिल्कुल डॉक्टर, टेस्ट की बात चल रही थी तो आप इनिशियल स्टेप्स में बता रहे थे कि कौन कौन से टेस्ट जो है हम करवा सकते हैं, जिसमें से एक जिक्र किया आपने मेमोग्राफी का। ऐसे अगर आप देखें लोग, अगर सपोज किसी को शक पड़ता है कि यहाँ कि मेरे फैमिली में किसी को है, मोस्टली लोग तभी हमारे पास आते हैं कि फैमिली में था तो आप हमें बताएं कि टेस्ट कर सकेंगे या नहीं। तो आजकल जेनेटिक टेस्टिंग भी अवेलेबल होती है, जैसे किसी को ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर किसी की फैमिली में अगर चल रहा है तो BRCA1/BRCA2 म्यूटेशन टेस्टिंग करके हम देख सकते हैं कि उसको कितने परसेंट चांस होंगे कैंसर होने के। तो ये किस एज के बाद होता है ये मोस्टली हम जो करते हैं अगर करना, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर 25 साल से नीचे कम ही देखा जाता है, तो मोस्टली 25 साल के बाद ही एडवाइजेबल है, वो भी अगर वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो। अगर एक आध कोई केस इंडेक्स केस उनकी फैमिली में है तो 30 साल के बाद भी इसको किया जा सकता है ये। लेकिन एक इसमें एक चीज बड़ी गौर करने योग्य ये है कि हम आजकल फैंसी ऐसे हो गया है कि हमने टेस्ट करवाना है जेनेटिक, तो पेशेंट खुद भी हमारे पास इसके लिए आते हैं। लेकिन अगर जैसे एंजेलिना जोली जो हॉलीवुड एक्ट्रेस थी, उसको उसकी मदर और आंट को था ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर, तो उसने शी गॉट हर बोथ ब्रेस्ट रिमूव्ड जब उसको शक का पता चला कि इतना परसेंट शक है मुझे होने का। तो ये क्या हम अपनी इस एरिया में ये करवाने के लिए तैयार हैं? सर ये कॉलर शायद ऐसा ही कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जुड़े हुए हमारे साथ। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, आज के दौर में किसी बीमारी के बारे में जी पहले ही डॉक्टर साहब का कहना होता है कि पेशेंट सिगरेट पीते हैं। डॉक्टर साहब वो भी दौर था जी जब डॉक्टर साहब कई पेशेंटों को सिगरेट पीने के लिए एडवाइस कहते थे जी जी। इफ माय मेमोरी डज नॉट फेल मी, साल 1981 था जी। आई हैड एन अपॉर्चुनिटी, मैं जाने माने कश्मीर के एक लीजेंड डॉक्टर अली जान के पास हम गए थे जी। कुछ ऐसे पेशेंट थे मेरे सामने, उन्होंने एडवाइस की उन पेशेंटों को कि आप सिगरेट पिया करिए। सर आप अपना स्पेसिफिक सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब डोंट टेक मी एमिस जी जी। और उन पेशेंटों का कहना था कि वो सिगरेट पीने से ठीक हो रहे हैं, क्या बात है? सर ऐसा है, आप जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इधर से हटके है कैंसर अवेयरनेस से, लेकिन आप जिनकी बात कर रहे हैं डॉक्टर अली जान, वो एक रिनोन्ड फिगर है, गॉड ऑफ मेडिसिन आप उनको कह सकते हो। तो वो एक साइकोलॉजिस्ट भी बहुत बड़े थे। आप एक सिगरेट की एग्जांपल दे रहे हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। कलकत्ता से उनके पास पेशेंट आया था और ही वाज नॉट इन टाउन, वो पहलगाम में रेस्ट करने के लिए बीच में जब जैसे 10-15 दिन गए हुए थे, तो पेशेंट जब उनके पास गया उन्होंने उसको बोला कि तू अपनी अंगूठी उतार दे तू ठीक हो जाएगा, और लेडी थी और वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गई। एक दो दिन बाद ही उसको रिपोर्ट आई कि वो कलकत्ता जाके ठीक हो गई, हालांकि पूरे इंडिया के डॉक्टर्स उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो एक ये हम इस चीज को इसके साथ नहीं जोड़ सकते। ही वॉज ए ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, ए ग्रेट मोटिवेटर एंड ए ग्रेट हिप्नोटिस्ट। वो किस तरीके से मेडिसिन उन्होंने की हुई है आज के दौर के लिए वो करना मुश्किल भी है, और मुझे लगता है हम उनके तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं एविडेंस बेस्ड कर रहा हूं, साइंटिफिक बेस्ड कर रहा हूं। एविडेंस ये कह रहा है, साइंस ये कह रही है कि सिगरेट तंबाकू के साथ कैंसर रिलेटेड है। और सामने मैंने पहले भी आपको बताया, बिहार यूपी को कंपेयर करो पंजाब से, तो इससे ज्यादा एग्जांपल क्या मिलेगी कि पंजाब में 0% है उधर 100% है। बिल्कुल। तो इसलिए हम एविडेंस बेस्ड की जब बात करें तो कैंसर सिगरेट से रिलेटेड है, और कोई भी डॉक्टर आज के दौर में सिगरेट पीने के लिए एडवाइस नहीं करेगा, और वो इसलिए भी नहीं करेगा अगर वो हिप्नोटिस्ट है भी। सपोज मैं किसी को हिप्नोटाइज कर भी सकता हूं, उसको बोल भी सकता हूं या उसको मोटिवेट कर सकता हूं कि इसी से तू ठीक हो जा, तो मेरे ऊपर कुछ लीगल इंप्लीकेशन भी फॉलो आउट करती है, तो ये तो आज के दौर में कोई प्रिस्क्राइब करेगा ही नहीं। जी सर, कॉलर जुड़े हैं, सवाल सुनते हैं। और जी सर मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन्होंने कॉल किया है सर आप अपना फोन काट दीजिए ताकि और कॉलर जो है कॉल कर सके। सर ये जो कैंसर होता है, एक बार यदि व्यक्ति ने ऑपरेशन करवा लिया है, ट्रीटमेंट पूरा करवा लिया और डॉक्टर ने कहा कि आप क्योर हो गए हैं, तो सर उसके बाद रेकरेंस क्यों होती है फिर? जी ये भी आपने एक अच्छा प्रश्न किया, सारे कैंसर्स में रेकरेंस नहीं होती है, लेकिन हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं कि रेकरेंस होती है, चाहे वो 8 साल के बाद है, 10 के बाद है या 12 साल के बाद है। एक्चुअली ऐसा है, कई बार कई माइक्रोस्कोपिक डिजीज कहीं छोड़ जाती है, जो जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे पेट स्कैन आजकल आपने सुना होगा बहुत ही इंडिकेटेड इन्वेस्टिगेशन है, सभी फॉलोअप में हम करते रहते हैं। 2 mm से नीचे अगर ट्यूमर होगा वो पिक नहीं कर सकता,
तो कई बार लोग कहते हैं हमें कि 6 महीने पहले तो पेट स्कैन कराया वो नॉर्मल था, अब कैसे रेकरेंस आ गई, तो कई चीजें वो पिक ही नहीं कर पाता है। तो ऐसी चीजें जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव, जैसे हम कहते हैं कि आप ठीक हैं, चांस नहीं है अब होने का, लेकिन फिर भी वो एक ऐसी चीजें होती हैं कुछ, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के केस में भी अगर आप देखेंगे नॉर्मल पब्लिक के बनिस्पत लेडीज में जिनमें ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है उनमें ज्यादा परसेंटेज चांसेस है कैंसर दोबारा होने के। अच्छा, तो अच्छा। ये रीजन इसमें कुछ जेनेटिक्स हैं, उसमें कुछ एनवायरमेंटल हैं, और उसमें कुछ ये भी रीजन है कि कुछ पहले बच चुका है जो पहले पिक नहीं हो पा रहा था अब वो पिक हो गया। जी सर, कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो 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 हाँ जी जी सर बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मानी जी। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका। मानी मेरे दाड में दर्द है, वो आगे से खाली हो गया, उसका मांस ऊपर आ गया जी, उसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकी है। देखें, वो जो अगर मांस ऊपर आया हुआ है आपको डेंटल सर्जन को चेक कराना चाहिए, क्योंकि पहले तो इससे आपको पेन होती होगी खाने टाइम, वो ठीक हो जाएगी। दूसरा ये है कि इससे कोई ऐसे कैंसर का खतरा नहीं होता, लेकिन अगर कोई जो दांत है खुरदरा हो चुका है और वो आपके म्यूकोसा को घड़ी घड़ी कुरेद रहा है तो वो आगे चल के जख्म बन के कैंसर हो सकता है। इसलिए कभी भी अगर कोई दांत जो खुरदरा हुआ है और आपके म्यूकोसा को इरिटेट कर रहा है उसको फौरन डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब, इन्होंने दांत का जिक्र किया है, कहीं किसी व्यक्ति को स्किन जो है हम कहेंगे जो उसकी टांग है उस पर बार बार जैसे मोटी मोटी चमड़ी होती है वो जमती है और ऐसा लगता है कि कुछ कुछ छोटे छोटे बारीक बारीक दाने दाने जैसे हो रहे हैं वो बार बार पनपते हैं। उन्होंने हालांकि स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखाया है, अब उनको भी ये शक है कि कहीं ये कैंसरस ग्रोथ तो नहीं हो रही है, कोई स्किन कैंसर होने के चांसेस तो नहीं हो रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। स्किन की डिजीज अगर स्किन स्पेशलिस्ट ने देखा है तो उसको पता चल जाएगा अगर कैंसरस उसको होगा, क्योंकि स्किन स्पेशलिस्ट ही सबसे पहले डायग्नोज करता है स्किन कैंसर। तो वो जो भी पेशेंट है वो अपने इत्मीनान से रह सकते हैं कि उनको ऐसा कुछ नहीं होगा। स्किन का कैंसर अगर इतनी देर से कोई दाने वाने निकल रहे हैं या कुछ है तो वो जख्म फॉर्म में मोस्टली आ जाता है, अल्सर्स वगैरह जो कैंसर होते हैं। ठीक है सर, हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। हेलो 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 अंकिता जी, हेलो 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 जी जी अंकिता जी बताइए क्या सवाल है आपका। मैं बोल रही हूँ, मेरे दादू जी को नींद नहीं आती है। अंकिता जी आप पहले तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कीजिए, और आज का हमारा विषय जो है वो कैंसर है जी, बताइए दादाजी को नींद नहीं आती फिर जी। जी बताइए, मुझे लग रहा है शायद सर हमारा उनसे कांटेक्ट जो है नहीं हो रहा है। सर जिस तरह से हम कैंसर की बात कर रहे हैं, सर टेस्ट बहुत से किए जाते हैं, बहुत सी थेरेपीज जो है कैंसर पेशेंट्स पे यूज की जाती है, तो उसके साइड इफेक्ट्स जो है वो क्या रहते हैं? देखिए, जो जैसे रेडियोथेरेपी होती है या कीमोथेरेपी होती है मोस्टली सर्जरी के, तो जैसे सर्जन निकाल देता है उसके मोस्टली वही साइड इफेक्ट होते हैं जो नॉर्मल सर्जरी के दौरान हो सकते हैं, कहीं स्टिचेस जो लगे हैं उसमें एब्सेस बन गई या कुछ हो गया। कीमोथेरेपी से वोमिटिंग आना, कई बार लूज मोशन होना इस किस्म के, या वोमिटिंग महसूस होते रहना, या बाल झड़ जाना, रेडिएशन के भी ये वाले साइड इफेक्ट हो सकते हैं, एनोरेक्सिया जैसे भूख ना लगना, ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली अगर प्री मेडिकेशन प्रॉपर हो और पोस्ट मेडिकेशन प्रॉपर हो तो ये साइड इफेक्ट कम ही आते हैं। प्लस अगर मरीज थोड़ा परहेज करे इन चीजों का, कि साफ सफाई का ध्यान रखे, तो ये सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो मोस्टली होता क्या है कि लोग, जैसे कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने रो पी लिया, अब रो इतना मतलब नॉर्मल, अब हमें भी अगर गर्मी में हम ऐसे कॉमन पी लेंगे उधर से तो इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा। तो जिसको कीमोथेरेपी चल रही है उसका इम्यून सिस्टम लो है, तो ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अगर जूसेस लेने भी हैं तो टेट्रापैक वाले ही लें, प्लस घर का खाना खाएं, बॉयल पानी पिएं, ठंडा करके पिएं, लेकिन बॉयल करके पिएं जी। और सर तालाब तिल्लो से कॉलर जुड़े हैं। हेलो 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 जी जी बताइए बच्चे क्या, हाँ जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो हाँ जी हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरे को ना 7-8 साल से कॉन्स्टिपेशन है, मैंने बहुत डॉक्टरों को चेक करवाया, पंजाब तक दवाई खाई मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। उम्र कितनी है आपकी, उम्र कितनी है, एज कितनी है? एज कितनी है आपकी? 28 साल। 28 साल है डॉक्टर साहब। देखिए अगर 7-8 साल से कॉन्स्टिपेशन रह रही है 28 साल की उम्र में,
तो आपको फौरन किसी सर्जन को दिखाना चाहिए, वो कोलोनोस्कोपी करके देखेंगे, क्योंकि ये काफी लंबा अर्सा है जिसमें कॉन्स्टिपेशन है, तो कहीं कोई ग्रोथ तो नहीं है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, जरूरी नहीं कैंसर से ही कॉन्स्टिपेशन होती है। तो आप फौरन अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को पास में किसी को कंसल्ट करें जो इसको चेक कर सके। डॉक्टर साहब, अब मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, कुछ सर पेशेंट्स होते हैं जब उनको ये साइड इफेक्ट्स अपीयर होते हैं वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और समाज से थोड़ा कटना शुरू कर देते हैं, तो उनको लगता है कि शायद अब हम अपनी जो नॉर्मल जिंदगी है वो नहीं जी सकते हैं, कि एक ऐसी बीमारी हमें होगी, अब पता नहीं क्या होगा। तो आप ऐसे पेशेंट्स को जो कि ये फेस कर रहे हैं, इस फेज को, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक सबसे बड़ी बात, इसी के लिए अवेयरनेस जरूरी है। अब जो पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है उसको, वो तो जूझ रहा है उस बीमारी से, आसपास के लोग भी उसको कहेंगे कि ये बीमारी ऐसी है, जैसे आप कह रहे थे वो नाम भी नहीं लेना कहीं पसंद करते, तो उनको ये जानना चाहिए कि आपके सामने है युवराज सिंह है बिल्कुल ठीक होके, और उसको भी सिम्टम, साइन सिम्टम उसके, अगर आप पढ़ेंगे उसकी उस टाइम की पोस्ट्स को, तो उसको बाल भी उसके झड़ गए थे, वोमिटिंग भी हुई थी, सब कुछ हुआ था, बट नाउ ही इज परफेक्टली ऑल राइट प्लेइंग क्रिकेट आफ्टर दैट, और उसने भारत को विश्व कप जिताया है, उसके बाद भी कई मैचेस जिताए हैं। तो जिस टाइम विश्व कप चल रहा था उस टाइम भी उसका वो रोग पनप रहा था, तो अब तो वो बिल्कुल ठीक है। मनीषा कोइराला है, पिछले 6 साल से ओवेरियन कैंसर था उसको, बिल्कुल ठीक है। सो मेनी सेलिब्रिटीज, ये सेलिब्रिटीज के नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये सामने आके बताते हैं, और नॉर्मल पब्लिक बिकॉज ऑफ टैबू अटैच्ड विद इट वो आगे नहीं आते और बताते नहीं है कि तो उन लोगों के लिए एक सर्वाइवरशिप ग्रुप बनाने की जरूरत है। जम्मू में भी कर्क विजयन नाम से कैंसर सर्वाइवरशिप ग्रुप है जहां पे पेशेंट ही पेशेंट को बताता है कि ये रोग ठीक होने वाला है। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज आपने हमें जानकारी दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने बात की है डॉक्टर दीपक अबरोल जी से, और जिस तरह से उन्होंने कहा है यदि ये बीमारी हमें है भी तो ये लाइलाज नहीं है, समय रहते यदि हम डॉक्टर के पास चले जाएं तो हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं, और यदि हमारे हौसले बुलंद हो तो हम हर बीमारी से लड़ सकते हैं। कुछ इसी उम्मीद के साथ हम आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।